सो फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बड़ा झोला। बड़ा झोला कुछ इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, जब ज़्यादा सामान लेना होता है तब लोग इसका यूज़ करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोट बैग। टोट बैग यानी कि बड़ा झोला। और लिफाफा, लिफाफा जो होता है जिसमें हम कुछ पैसे या फिर पेपर्स वगैरह रखते हैं, उसको हम इंग्लिश में इनवेलप बोलते हैं। गांठ, रस्सियों या फिर किसी चीज़ के जोड़ की जो इस तरह से गांठ बन जाती है, इस गांठ को हम इंग्लिश में नॉट कहते हैं। नॉट यानी कि गांठ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोकरी। कुछ इस तरह की होती है, और भी अलग अलग तरह की टोकरियाँ होती हैं, और टोकरी को हम इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। बास्केट मतलब कि टोकरी। और झोला, इस तरह का झोला जो डेली यूज़ में होता है मार्केट से सब्जी वगैरह लाने के लिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैग। बैग यानी कि झोला। और गत्ता, इस तरह का गत्ता होता है पैकिंग करने के लिए या फिर कुछ ज़्यादा सामान रखने के लिए, इसको हम इंग्लिश में कार्डबोर्ड बोलते हैं। कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता। नेक्स्ट वर्ड है सौदेबाजी। हम दुकानों पर जाते हैं तो थोड़ा सा मोल भाव करते हैं ना, और इसे हम इंग्लिश में बारगेन कहते हैं। बारगेन यानी कि सौदेबाजी या फिर मोल भाव करना। अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका फुल है नहीं। और अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट, मतलब कि किसी चीज़ के लिए पहले से ही पे कर देना, उसको हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। निर्माता, निर्माता इसको हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोकरा, बड़ा टोकरा, जैसे कि इमेज में कुछ आप देख पा रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में क्रेट बोलते हैं। क्रेट यानी कि बड़ा टोकरा। नेक्स्ट वर्ड है दुकानदार। दुकानदार वो किसी चीज़ का भी दुकानदार हो, उसको हम इंग्लिश में शॉपकीपर बोलते हैं। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, फिर वो चाहे जिस भी चीज़ का दुकानदार हो। रसीद, कुछ खरीदने के बाद जो हमें रसीद मिलती है, कुछ ऐसी होती है, उसको हम इंग्लिश में रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट यानी कि रसीद। थोक विक्रेता, थोक विक्रेता जहाँ पे ज़्यादा सामान मिलता है, जो दुकानों पे सप्लाई करते हैं, उसको हम इंग्लिश में होल सेलर बोलते हैं। होल सेलर यानी कि थोक विक्रेता। और रिटेल सेलर, रिटेल सेलर यानी कि फुटकर विक्रेता, उसे बोलते हैं जो कस्टमर को डायरेक्ट, मतलब कि थोड़ा एक एक सामान करके बेचते हैं, उसको हम रिटेल सेलर बोलते हैं। और किस्त, किस्त को हम इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पेमेंट किया जाता है, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सामान का जो एक्चुअल प्राइस होता है, उसको क्रय मूल्य यानी कि परचेस प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वापसी। कोई सामान खरीदने के बाद कभी कभी क्या होता है, हम उसे रिटर्न भी करने जाते हैं। कभी वो कपड़े को लेकर के जैसे वो लूज़ या फिर टाइट हो रहा है, तो उसको हम रिटर्न ही बोलते हैं। और कीमत पर्ची, कपड़े या फिर किसी चीज़ पे जो टैग लटकता है, जिस पे प्राइस लिखी होती है, उसको हम इंग्लिश में प्राइस टैग बोलते हैं, और हिंदी में उसे हमें कीमत पर्ची बोलते हैं। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, ये तो हमेशा आता जाता रहता है, जब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री। सब्जियों की दुकान, जो सब्जियों की जो दुकान होती है, जैसे कि स्टॉल वगैरह होते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में ग्रीन ग्रॉसर बोलते हैं। ग्रीन ग्रॉसर यानी कि सब्जियों की दुकान। और तेल का पीपा, इस तरह का कुछ होता है जिसमें तेल भरा होता है, इसको हम इंग्लिश में ऑयल ड्रम बोलते हैं। ऑयल ड्रम यानी कि तेल का पीपा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राहक। ग्राहक जो होता है, उसको हम इंग्लिश में कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर यानी कि ग्राहक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा धातु का बक्सा। धातु का बक्सा, पहले के ज़माने में ज़्यादा लोग इसको लेते थे। इसमें बड़ी चीज़ें जैसे कि ये मैट्रेस या फिर ये सब रखने के लिए, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल बॉक्स। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। नेक्स्ट है किराने की दुकान। किराने की जो दुकान होती है, उसको हम इंग्लिश में ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, डिलीवरी पर नकदी। डिलीवरी पर नकदी यानी कि सामान जब हमारे हाथ में आ जाता है तो हम उसका पेमेंट करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं। कैश ऑन डिलीवरी। सो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।